देखो भाई, ये एक्टिंग वैक्टिंग इतनी खास आपके भाई को नहीं आती, लेकिन जब मैं पूरी रात जागा हुआ हूँ और उसके बाद मुझे एक्टिंग करनी पड़े तो समझ लो ये कहानी बहुत ही गलत जगह जा रही है। समझ लो सीन ऑफ है। क्या हाल है ब्रो? कुछ दिन पहले मेरे घर पे थी मैंगोबाज के साथ एक वीडियो शूट और हम बना रहे थे एक वीडियो जिसका नाम है कजन बेस्ट फ्रेंड्स। तो आज के एक्टर्स कौन कौन है? मैं खुद एज कजन वन, हसन राहिल एज कजन टू, वकार सिद्दीकी एज कजन थ्री। बस ये थे एक्टर्स, इनके अलावा कोई नहीं था। मजाक कर रहा हूँ अथर जानी यार, टेंशन ना ले यार। अथर अहमद एज कजन फोर। लेकिन मसला ये था कि जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया है, या मुझे जागे हुए अराउंड कितने घंटे हो गए? 19-20 आवर्स हो गए और अभी तक भैया को जिंदा है। तो एक्टिंग करने में बहुत मेहनत लग रही है यार, लेकिन करनी तो है। यार हमारा खानदान कितना अजीब है ना। अबे अजीब क्या? अच्छा सॉरी कुछ सर, अभी हमारे खानदान वाले अजीब हैं। अबे तू तो अभी आया है, मैं कसम से कब से झेल रहा हूँ इनको। तू मनान पापा को चेक कर ले, मुझे बोल रहे होते मुझे यूट्यूब पे ऐड कर लो। और ऊपर से वो दूसरी कौन सी खाला है? पम्मो खाला सड़ी है कि मुझे तुमने इंस्टा स्टोरी में ही डाला। भाई हर बार तुम बिना कोई शो चल रहा है, और जैसे ही मेरा सीन खत्म होता था मुझे इतना सुकून मिलता था कि भाई अब बस चिल है, अब ऑन है सीन। अम्मी जाने दे यार, सब जा रहे हैं, हसन की उम्र के बच्चे भी जा रहे हैं यार, दाढ़ी आ गई मुझे अभी तक, 9 बजे घर आ जाओ। लेकिन ये सुकून मुझे 2 मिनट से ज्यादा का मिल नहीं पा रहा था। हर दूसरे मिनट में कोई नया मसला आ रहा था, जैसे कि जिंदगी को पता हो कि बंदा पूरी रात जागा हुआ है, इसको तंग करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कपड़े चेंज करने की जीरो हिम्मत थी, जीरो। लेकिन मेरे कमीज पे कोक गिर गई है, मेरी वार्डरोब खराब हो गई है सर। यार यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। थक गया हूँ एक्टिंग कर करके, प्यास लग रही है। लेकिन अभी हम बिरयानी खा रहे थे तो बिरयानी के जो पॉट था उसके नीचे चींटियां मिली हम लोगों को, तो उसके बाद मेरी अम्मी ने फौरन से यहाँ पे कमरे में किचन में दवाई डाल दी, दवाई का स्प्रे कर दिया और हमारे लिए नो एंट्री है यहाँ पे। और सबसे बड़ा मसला, नॉर्मली हमारे साथ एक अदद जया भाई होते हैं जो हमें शूट्स में असिस्ट करते हैं, साउंड और बाकी इक्विपमेंट को मैनेज करते हैं। लेकिन वो आज माशाल्लाह से हैदराबाद गए हुए हैं, तो पूरी शूट के तमाम काम हम बच्चा लोगों को ही करने पड़ रहे हैं। चल बेटा रोना बंद कर, सही है, काम कर बच्चा, काम काम कर काम। शायद मेरी एक्टिंग बुरी आ रही है, मेरी नींद कम नहीं है। नहीं अच्छी अच्छी आ रही है। बताओ तुम बताओ इसकी एक्टिंग कैसी है? यार जा रही है। नाइस। आ रही है। Nice. चलो जितनी भी ये मेहनत चेहनत लग रही है, खुशी की बात ये है कि सारे सीन्स इंडोर हैं। एटलीस्ट गर्मी का मसला तो नहीं है ना, मतलब बाहर जो तपती गर्मी है उसका। गर्मी नहीं हो रही, शुगर है बिल्कुल, स्नोफॉल का टाइम है। गर्मी है बस वही कर रहे हो जो कर रहे हो, बस मैं बाहर भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इमेजिन करो कि मैं बाहर हूँ। शिकवे है राउंड 11, इमेजिन करें बाहर हूँ, ठीक है मैंने। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी के आगे भाग रहा हूँ तो मेरे पीछे भाग रहा है। अब है यार बाहर के सीन खत्म हुए हैं, अब अंदर और सीन रहते हैं, मतलब क्या करूं मैं। एक्शन है यार नवीद, जा यार खाना तो देख के आओ यार, जल्दी चले जाओ भूख लग रही है। ब्लूपर। अबे अब तो खत्म होने वाली होगी शूट यार, मतलब 7-8 घंटे से शूट कर रहे हैं। हसन सीन क्या है भाई, कितने सीन रह गए? सीरियसली बस कर दे भाई, यहाँ पे एक है वकार भाई के साथ पटाखे वाला, बस 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 यार। उसके बाद एक है ड्राइंग रूम में तुम लोग के अकेले का, जिसमें अंधेरा होना चाहिए। खत्म फिर खत्म, बस कर दे हसन, बस और नहीं शूट खत्म। उसके बाद एक गाड़ी का है, बस कर दे प्लीज, बस कर दे, बस कर दे मेरी जिंदगी में, बस कर दे। अबे तू अब किस बात का रो रहा है, अब तो तुझे नींद भी नहीं आ रही। वैसे क्यों नहीं आ रही मुझे अब नींद, बाकी नहीं आ रही अब इतनी नहीं आ रही, ऑनेस्टली क्यों नहीं आ रही? तुझे मजा जो इतना आ रहा है। हाय गाइस, हम लोग इस वक्त शूट पे हैं और इस वक्त बहुत से मसले हो रहे हैं। मजा आना जैसे शुरू हुआ फौरन तो ठीक हो गया है, ये सही है लड़के।
वो तो शुक्र है कि मुझे एडिट करने में भी मजा आता है, वरना पूरी रात जाग के कौन करता है ये एडिट। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तमीज होती है कैमरा। सर सर इजी हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ। व्लॉगिंग इज यस मेरा कैमरा।